नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मुद्रा लोन के बारे में। जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है वो क्या है, आपको कैसे मिलता है, क्या कोलैटरल लगती है, लगभग मैं सारे टॉपिक इसके अंदर आज कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुद्रा लोन जो भी हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए ये एक बिजनेस लोन टाइप से लोन दिया जाता है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह के लघु उद्योग में इन्वॉल्व है, तो आपको ये लोन मिल सकता है। इस लोन की सबसे खास बात ये है कि आपको इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती। यानी कि मुद्रा लोन 10 लाख तक का लोन होता है और उसके अंदर आप बैंक आपसे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मांग। आपने किसी भी तरह की शॉप लगा रखी हो, चाहे आप खाने की चीज़ें लगा रखी हो, चाहे किराने की शॉप लगा रखी हो, चाहे कपड़ों की शॉप लगा रखी हो, या आप किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप टायर के, घी के, तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हो। जनरली इस लोन का लाभ जो जिन्होंने लिया है वो दुकानदारों ने लिया है। किसी भी तरह के दुकानदारों को ये लोन बड़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अगर आपकी दुकान रेंट पर है तो भी मिल जाएगा, और आपकी खुद की दुकान है तो भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। अब ये लोन जनरली हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि लागू नहीं हो पाती, लेकिन जहाँ तक मुद्रा लोन की बात करी जाए तो मुद्रा लोन बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करी गई है लगभग सभी बैंकों के द्वारा, और सरकार भी इसके प्रति काफ़ी सीरियस है। इसीलिए अभी जो हमारी जो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी इंडिया की ऑफिशियल जो ब्यूरो जो है, जहाँ पर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है, उन्होंने जुलाई के महीने में अपनी एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर कहा गया है कि 2015 से जब से मुद्रा लोन स्टार्ट हुई है, जब से लगभग 30 करोड़ लोन जिनका अमाउंट 1,597,000 करोड़ है, वो मुद्रा लोन के तहत डिसबर्स करे गए हैं। तो आज की डेट में जो मुद्रा लोन है वो हमारे जो MSME जो सेगमेंट है उसके लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है, और हमारी जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहा है। मुद्रा लोन आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल की तरह मिल सकता है और टर्म लोन की तरह। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि डे टू डे में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपना धंधा चलाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है। टर्म लोन मतलब ये होता है कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कोई मशीन लगानी है जो 10 साल तक आपको रेवेन्यू कमा के देगी, या आप कोई शॉप लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह है उसके लिए आपको टर्म लोन दिया जाता है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मुद्रा लोन को सरकार ने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है शिशु लोन। शिशु लोन के अंदर जो 50,000 से कम के लोन है वो सारे लोन शिशु लोन के अंदर आते हैं। फिर आता है किशोर लोन। 50,000 से 5 लाख तक के लोन इस श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद आता है तरुण लोन, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक के जो भी लोन हैं उनको तरुण कहा जाता है। अब बात आते हैं, हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन अगर किसी को चाहिए तो वो किस तरीके से मिलता है और कितनी एलिजिबिलिटी होती है। वर्किंग कैपिटल का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप जो बिज़नेस चला रहे हैं उसके लिए डेली जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए या शॉप के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जनरली अगर यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो करेंट एसेट्स हैं, मतलब करेंट एसेट्स की डेफिनेशन ये कहा जाती है कि कुछ भी ऐसा एसेट जो अगले 12 महीने में आपको उसका कैश करके दे सके, वो है आपका करेंट एसेट के अंदर कहा जाता है। अब होता क्या है, जब भी आप लोन लेने जाते हैं, जनरली वर्किंग कैपिटल लोन लेने ही जाते हैं, तो बैंक उसको अपने ढंग से असेस करता है। अब उसकी एसेस की 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी तो ये होती है कि मान के चले आपकी कोई इंडस्ट्री है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर आप ये मान के चलिए, देखिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको तब बेचने जाएंगे तब कुछ टाइम लगेगा, बेचने जाएंगे फिर आपके रिसीवेबल्स, आपको वापस पैसा, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनसे पैसा आने में टाइम लगेगा, तो एक ये पूरी साइकिल बनती है।
जो आपकी अगर यदि इंडस्ट्री है तो उसमें कुछ इस तरह की साइकिल होगी, और अगर यदि मैं कहूँ ट्रेडिंग, यानी कि आपने कुछ कपड़ों की शॉप लगा रखी है, तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल अलग होती है कि आपके पास इन्वेंट्री आई, आपने बेची, रिसीवेबल खड़े हुए और वापस पैसा आया, यानी कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं आता। अब मैं बताता हूँ कि जब भी आप जाते हैं बैंक में, तो बैंक नायक कमेटी के द्वारा जो दिए गए हैं सिद्धांत, उनके अकॉर्डिंगली आपकी वर्किंग कैपिटल एसेस करता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल नायक कमेटी क्या कहती है कि मान के चलिए अगर आप 100 रुपये का टर्नओवर करते हैं साल भर में, तो आपको 25 रुपये की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर 25 रुपये में से 20 रुपये बैंक आपको दे सकता है और 5 रुपये आपको आपकी जेब से लगाने होंगे, जो कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो मान के चलिए कोई एक फर्म है जिसका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपये है, कपड़ों की दुकान है जिसका 20 लाख का टर्नओवर है, तो 20 लाख का टर्नओवर चलाने के लिए नायक कमेटी ये समझती है कि इसको 5 लाख रुपये की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये बैंक के पास जाते हैं कि बोले हमें 5 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक इनसे ये कहता है कि 4 लाख तो हम आपको देंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, लेकिन 1 लाख आप खुद अपने कंट्रीब्यूशन से लगाएंगे। तो इस नायक कमेटी का सिंपल सिंपल तरीके से हम समझें तो यह होता है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म लोन्स की, कि टर्म लोन्स बैंक आपको कब कब देता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि टर्म लोन आपको जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसके लिए दिया जाता है, मतलब आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं या फैक्ट्री में किसी तरह का रिनोवेशन कर रहे हैं, तो आपको टर्म लोन दिया जाएगा। तो जनरली फैक्ट्री या प्लांट मशीनरी, क्योंकि उसके अंदर एक साथ काफ़ी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, मान के चलिए मैंने कुछ 1 करोड़ की अगर मशीन लगाई, तो मुझे 1 करोड़ का जो बेनिफिट मिलेगा वो अगले 10 साल में मिलेगा, तो इसलिए टर्म लोन दिया जाता है ताकि आप उसको अगले 10 साल में चुका पाएँ। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में पीरियड आपका लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो भी आप प्लांट और मशीनरी लगा रहे हैं उससे आपके जो है कैश फ्लोस वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। और ये तो मैं अब मान के चलिए आपकी कोई शॉप है जो आप लगा रहे हैं, दुकान लगाना चाहते हैं, तो दुकान में जो इनिशियली जो फर्नीचर किया जाता है, या आप कंप्यूटर या प्रिंटर ये सब जो लेके आते हैं, ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो कभी यदि आप मुद्रा लोन लेने जाएं और आप अपनी नई शॉप लगा रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको 2 लाख या 5 लाख रुपये दुकान के फर्नीचर के लिए चाहिए, और या फिर जो भी है मशीनरी खरीदने के लिए चाहिए, तो बैंक आपको उतना पोर्शन आपको टर्म लोन में दे देगा जो आपको लंबे समय तक पे करना है, बाकी का आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है। देखिए, डॉक्यूमेंट कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है, नॉर्मल ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दो तरीके उद्यम आधार आज की डेट में कोई भी अपना रजिस्टर करवा सकता है, BRN नंबर रजिस्टर करा सकता है। और मान के चलिए आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है, जैसे आप फार्मास्यूटिकल में है, तो आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है, तो वो भी सफिशेंट है। तो इस तरह आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, और आपके अगले 2 साल का जो भी आप एस्टीमेट लेके चल रहे हैं कि आपका धंधा कितना आगे बढ़ेगा वो। अब इसके अंदर काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, साहब हमने तो नया नया धंधा खोला है, हमारे पास तो 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, या हमने नई नई प्लांट मशीनरी लगाई है और 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, बैंक हमें लोन नहीं दे रहा। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं और उनसे कहें कि अगले 2 साल में जो भी आपका सेल्स एस्टीमेट है वो आपको बना के दे दे, बैंक आपकी जो लिमिट है वो आपके एस्टीमेट के ऊपर फाइनेंस कर देगा। ऐसा कोई नहीं है कि नई जो फर्म्स होती हैं उनको बैंक फाइनेंस नहीं करता, करता है बैंक फाइनेंस। अब आप जब अप्लाई करने जाएं तो आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, PSB Loan in 59 Minutes, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाली वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना लोन अप्लाई कर दें।
अगर आप किसी तरह नहीं कर पाते तो अगर आप बैंक जाने में ज़्यादा सहज हैं तो आप डायरेक्ट बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं कि मुझे मुद्रा लोन चाहिए, मेरी फर्म ये है, आप अपने फर्म का एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाएं। और हर कोई चाहेगा कि एक अच्छी फर्म के लिए हर कोई लोन दे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, टीम मुरारीगर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरे साथ एक बार जुड़ गए तो मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताता रहूँगा जिससे महीने की कुछ ना कुछ इनकम आपकी होती रहेगी, 5,000-10,000 जितनी आप मेहनत करोगे। मैं एकाएक आपको ना तो लखपति बनाऊंगा ना करोड़पति बनाऊंगा, सीधी सी बात है, आप जितनी मेहनत करोगे मैं आपको नए नए आइडिया दूंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं या ऑफलाइन किस तरीके से कमा सकते हैं। अगर आपको मेरी टीम के साथ जुड़ना है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मुझे मैसेज करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।